नमस्कार। पिछले साल की तरह ही इस साल भी हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए पंच केदारों में द्वितीय केदार यानी कि श्री मध्य महेश्वर की यात्रा पर निकले हैं। इस समय हम उत्कल एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं। हमारे ग्रुप सारंगी जी, तापस विश्वास जी, मेरे लेफ्टिनेंट साइड में शास्त्री जी, गुरु जी अरुण चटर जी साहब, माझी साहब जो कुंभकर्ण के अवतार ग्रहण किए हुए हैं, और डमी सिंह साहब। इस समय हम आज दिनांक 12, कल हम लोगों ने 11 तारीख को शुरू किया और आज 12 तारीख, अब से थोड़ी देर में हम लोग 12 सितंबर हरिद्वार पहुंचेंगे, 12 सितंबर 2008। और जिस सज्जन को आप इस वीडियो में अभी मिस कर रहे हैं वो है नन अदर देन वन एंड ओनली विष्णु विश्वास जी। पिछले साल के सीडी में आपने उन्हें डांस करते देखा था। वी होप ही विल रिपीट दिस ईयर ऑल्सो। सो शास्त्री जी आप आगे बोलिए। जय बोले। मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इन सब लोगों के साथ मुझे मध्य महेश्वर जाने का मौका मिल रहा है। कल हम सुबह जीप में यहाँ से हरिद्वार से निकल के सीधा उठमट होते हुए उनियाल रुकेंगे, वहाँ से आगे बाबा जी के हिसाब से जो भी उनकी कृपा रहेगी उस हिसाब से हम मध्य महेश्वर की यात्रा करते हैं। जय बोल। तापस विश्वास जी आप कुछ कहेंगे? हम लोग कुल 10 आदमी का टीम है, 8 आदमी ट्रेन में है और दो साथी ऑलरेडी हरिद्वार पहुंच गए हैं। सुबह हम लोग 10 बजे से 10 आदमी सुबह 6 बजे से हरिद्वार से रवाना होंगे और मधुमेश्वर जी का दर्शन के लिए जाएंगे। अपने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ सारंगी कुछ कहना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। हम सभी आपका हमारे इस यात्रा में स्वागत करते हैं। अभी जो हम उत्कल एक्सप्रेस से मधुमेश्वर की ओर चल रहे हैं हमारे साथीगण के साथ, आशा करते हैं हमारे यात्रा सभी की शुभेच्छा से जरूर सफल होगी और हम आपके इस यात्रा में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ये मेरा पहला यात्रा है और इस टीम में शामिल होने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद।